लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शन जैसे जीन्स, शर्ट, साड़ी, टी शर्ट, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। इट्स लाइक ऑल द राइट स्टफ फॉर राइट पीपल। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं, जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। इट इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Yamin ji, News Andaman 24/7 का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर बार हमारे साथ लगे रहते, बच्चों के लिए, बच्चों का हौसला अफजाई के लिए और उनकी मेहनत आना और उनका जो कामयाबी को बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब मार्शल आर्ट सीखते हो तो ये मत समझिए कि ये फिजिकल गेम है या सिर्फ मार भाड़ का खेल है। मार्शल आर्ट फिजिकली से ज्यादा मेंटली है। जब आपका माइंड स्टेबल होता है तभी आप बेटर टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। इसका एक छोटा सा वो है कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर तभी चढ़ सकते हो जब आप शांत रहोगे और दुनिया आपके कामयाबी पे शोर मचाएगी। थैंक यू सो मच। न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम मौजूद है जंगनी घाट के कम्युनिटी हॉल में, जहाँ पे स्पोर्ट्स कराटे डो एसोसिएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। पूरे अंडमान एंड निकोबार के जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे जो KOC डॉक्टर MT सेल्वम सर के द्वारा, जो की खुद कराटे में ब्लैक बेल्ट है और सर के और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन है, अगर मैं बताने जाऊँ तो समय कम पड़ जाएगा। तो ये जो हमारा जो ये एक 28 ओपन स्टेट कराटे चैंपियनशिप है, जो मतलब ये 28 साल से ये चल रहा है, हर साल से यहाँ पर एक स्टेट लेवल कंपटीशन कराते हैं और यहाँ से कई बच्चे जो है नेशनल में अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। ये एफिलिएटेड है विद कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन KIO से और ये रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के साथ, WKF के साथ, और ये एफिलिएटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल के साथ। तो ये कितनी अच्छी बात है, अगर बच्चे इस तरह के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करेंगे तो उन्हें और आगे जाने का मौका बहुत जल्द और बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो आइए हम आपको इस जो चैंपियनशिप है यहाँ के खेल की तरफ ले जाते हैं, यहाँ के बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे कैसे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान हमारे होटल मंडल काउंसिल के चेयरपर्सन एसोसिएशन की ओर से और आयलैंड शंखूर एसोसिएशन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। खास करके हमारे इस बार के काउंसिलर सुजोता शर्मा जी और हमारे बीच पधारे श्री एडमोस्ट श्री के ग्रेसन जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ सीमा मैडम और सत्यनारायण जी स्पेशल एक्सपीरियंस का भी अपने इस एसोसिएशन की ओर से हम लोग उत्साहित दिल से स्वागत करते हैं। टी घाट वार्ड नंबर 13 के काउंसिलर हैं, आज उनके आशीर्वाद से, उनके समर्थन से भी आज हमारा ये दो दिन से हमारे यह कार्यक्रम इस प्रगति हॉल पे चल रहा है। तो उनको भी मैं अपने एसोसिएशन की ओर से कई दिन से उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी अपना जो है योगदान हम लोगों की जो हमारे बच्चों के लिए दिया,
काटा फाइनल राउंड तो इनको ट्रॉफीज और मेडल्स का जो है वितरण किया जाएगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अतिथिगणों के हाथों से। मानिका विपल हमारा राज्य स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम होता है उसकी बखूबी से जो है अपना समय निकाल कर गा करके हमारे बच्चों का जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और उनको जो है चैनल्स में और पूरे पब्लिक तक पहुँचाने का काम इनका रहता है। इसके लिए उनको भी मैं चाहूँगा कि हमारे यमीन जी न्यूज़ अंडमान 24/7 का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर बार हमारे साथ लगे रहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का हौसला अफजाई के लिए और उनका उनकी मेहनत आना और उनका जो कामयाबी को बहुत दूर दूर तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबका नमस्कार करती आज हम सब मौका मिला था हम ये फंक्शन में आने के जो मौका मिले मिले के भैया जनम भैया को धन्यवाद करते हैं ये मौका में सबका हमने पार्टिसिपेट किया उसके लिए अच्छा लगता है कि बच्चा लोग सब इतना कर रहे थे इतना सीखा था धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की वजह से आज हमें ये प्रोग्राम ये कंपटीशन देखने मिला दुआ देता हूँ और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आज यहाँ पर आप लोगों ने हमारे पिताजी जो हाल ही में उनका ध्यान हुआ था आप लोगों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं कराटे एसोसिएशन के जो सलूम भाई है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कभी कुछ सेवा हो तो जरूर बताइएगा। पिछले 28 साल से जो है हमारे आदरणीय सेजन जी ने इस कराटे एसोसिएशन पे को चला के यहाँ तक पहुँचा है। सबसे बड़ी बात यह है कुछ बच्चों को जो है चाहे वो मास्टर का देवे हों चाहे हमारे बहादुर सर हों और साथ साथ में ये जो मीडिया पर्सन जो इतनी देर से एक हाथ में कैमरा उठाकर रखे हुए हैं ये काफी योगदान कर रहे हैं इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और हाथ जोड़ के आप सभी अभिभावक जो यहाँ पर है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ और बच्चों को भी धन्यवाद करता हूँ। इंसान जो तकरीबन 25-30 साल से अपना सेवा दे रहा है और स्ट्रगल ही कर रहा है ऐसे में सेवा देते हुए बने रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है तो आप लोग बहुत ही लकी है और जो सेलम सर है सेलम सर की टीम है जो
जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ में इस स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ाने का, हमारे आइलैंड में आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप लोग अपना डेडिकेशन 100% दीजिएगा। और आप सभी एक परिवार हैं। इतना बच्चा लोग अंदर में जो है मार्शल आर्ट्स का जो बेनिफिट्स क्या क्या है और जो मेडल्स हमें जो ले आते हैं और हमको बहुत खुशी लगता है। मैं सभी बच्चों लोग से यही कहूँगा और भैया जी आपसे भी कहूँगा, इसको कंटिन्यू, इसको आगे रखिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज करिए। और हम लोग से, मेरा तरफ से भी अगर कभी भी कोई भी मदद है, हम हमेशा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनको देखते हुए जो है और भी आगे जितना तक सांसें ऊपर वाले दे रखी है उतना तक बच्चों के साथ लगे रहे, बच्चों को जो अच्छी रास्ता रास्ता दिखाते रहेंगे ऊपर वाले की दुआ। और चाहूँगा कि ये समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे न्यूज़ अंडरबार 24/7 के यमीन जी, यमीन भाई आप करके दो शब्द हमारे बच्चों के लिए। आप जब मार्शल आर्ट सीखते हो तो ये मत समझिए कि ये फिजिकल गेम है या सिर्फ मार भाड़ का खेल है। ये बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट फिजिकली से ज़्यादा मेंटली है, क्योंकि मैंने खुद थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है। तो हम लोगों को 6 महीने तक कोई फाइट रिंग में नहीं भेजा जाता था, सिर्फ हम लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाता है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल होता है तभी आप बेटर टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। इसका एक छोटा सा वो है कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर तभी चढ़ सकते हो जब आप शांत रहोगे और दुनिया आपकी कामयाबी पे शोर मचाएगी। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक शब्द है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो हौसला आपने है, ये फिजिकल एक्सरसाइज, ये मार्शल आर्ट आपको केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाती है, बल्कि आप में वो आत्मविश्वास जगाती है कि हम चाहे तो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। तो हम जो हमारे पीबीएमसी के चेयरपर्सन है सेल्वी मैम, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी। हाँ, ये सबका नमस्कार करती हूँ। आज ने ये सेल्वम भैया ने, ये सेल्वम कराटे मास्टर भैया ने ये सब प्रोग्राम अरेंजमेंट करे, उनके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। क्यों ना ये आज के बच्चा के मेन चाहिए इसके ना, आज के लेडीज बच्चा लोग, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई बात नहीं, अपना अपना सेफ्टी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये करना चाहिए। इसमें अपना सिक्योरिटी के लिए ये सब बच्चा लोग, लेडीज बच्चा लोग सीखना चाहिए। फ्यूचर में ये प्रोग्राम के लिए हम लोग अपना तरफ से क्या करना, हम अपना तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, उनसे कितना हम लंबी करने के लिए तैयार है, इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। तो मदन कुमार सर जो है, जो स्टेट कमीशन के जज भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं और यहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा है उसके बारे में बच्चों को और क्या बोलकर एनकरेज करना चाहेंगे सर। मेरा ये मानना है कि ये जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये सिर्फ बच्चों के जो आने वाले भविष्य है, हमारे बच्चे हैं वो जो ये कर रहे हैं, वो जो उनके भविष्य को सुधार लाएगा। जैसे कि आजकल हमारे पास आउटडोर गेम कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे में जो बच्चे अपने को, क्योंकि तो अगर हम उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक मार्गदर्शन है उनके जीवन में कि वो किस प्रकार से अपने शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो तभी मन उसमें स्वस्थ रहेगा। तो सैलून सर का मैं तहे दिल से मतलब जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि मैं उनको आज कितने साल से जानता, मैं स्कूल टाइम से मैं उनको जानता हूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो उनकी ये कोशिश देखकर कभी कभी लगता है कि हम जिंदगी में हम उनका कुछ साथ नहीं दे पा रहे। तो यही चाहता हूं कि सारे लोग साथ आए, एक साथ मिलकर मुट्ठी बने, ना कि एक एक उंगली बने। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम केयोशी डॉक्टर एमडी सेल्वम सर, जो कि खुद एक ब्लैक बेल्ट है 7 डैन के और मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स कमीशन भी है और सर वाइस प्रेसिडेंट भी है EIKAA के और ESKII के,
और सर चीफ इंस्ट्रक्टर भी है, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी है। ओपन स्टेट लेवल कराटे कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप है, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि सर इस विषय के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। सर आप हमारे जो लोकल पब्लिक है हमारे दीपो के, उसको अपने जो कराटे एसोसिएशन के जो चैंपियनशिप अभी चल रहा है लीग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम लोग यहाँ पर 28 स्टेट चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की ओर से करवा रहे हैं। ये हर साल हमारा चलता है। स्टेट चैंपियनशिप का मकसद ये है कि हमारे जो टैलेंटेड जो बट्स हैं, जो अपकमिंग टैलेंटेड बट्स, उनका पहचान करना और उनको आगे ले जाने के लिए, आगे नेक्स्ट नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म उनको देने के लिए ये हर साल हमारा यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल होता है। ये भी एक तरह का सिलेक्शन ट्रायल ही है जो कि नेक्स्ट आने वाला जो चैंपियनशिप नेशनल लेवल का जो चैंपियनशिप होगा उसमें जो जितने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं जो हर कैटेगरी के एज ग्रुप 6 to 10 ईयर्स तक एज ग्रुप है, उसमें 11 to 14, उसके बाद 14 एंड अबव 17 and 18, उसके 18 एंड अबव, इस तरह हर कैटेगरी वाइज एज वाइज और उनका वेट के हिसाब से, उनका वजन के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है। उनका उस कैटेगरी में उन बच्चों का फाइटिंग होता है जिसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी आजकल का जो मालूम आपको मोबाइल मेनिया है, फिर मोबाइल बच्चे मोबाइल में गेम्स में घुसे रहते हैं, तो वो चीज़ें ना हो। यहाँ पे हमारा एक बड़ा मकसद यह है कि बच्चे से नो टू ड्रग्स में ना जाए जो बड़े होकर के, और छोटे से बच्चे अगर बच्चे बचपन से ही हमारे पास लगे रहेंगे तो उनके अंदर में अवेयरनेस आएगा फिजिकल फिटनेस के बारे में, उससे क्या बेनिफिट होगा उनके उनका उनका जो ब्रेन का जो फोकसिंग है, उनका जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसके अंदर, मतलब पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके वो अपने अपना एकाग्रता के साथ में अपना काम पे वो लगेगा और वो प्रोडक्टिव काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं करेगा। आइए जो अब हम जी गायत्री जी से जानना चाहेंगे जो कि एक खुद ब्लैक बेल्ट है कराटे में और ये यहाँ 10 साल से खुद कोचिंग ले रही है और खुद बच्चों को कोच कर भी रही है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं से जानते हैं। हमारे यहाँ पे मॉडल स्कूल पे क्लासेस चलता है एमडी सेल्वम, मास्टर एमडी सेल्वम, वहाँ पे फ्री ऑफ ट्रेनिंग वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं, मोर देन 50 इयर्स हो चुका है। नेशनल स्केल से क्यों नेशनल मेडलिस्ट हूँ और यहाँ पे गर्ल्स को ट्रेनिंग देना, नेशनल लेवल पे लेके जाना, सब कुछ मास्टर ही करते हैं। थैंक यू। आइए अब हम जानते हैं आर दिनेश जी से जो यहाँ के असिस्टेंट कोच है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आइए उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम मैं ये खेल जो है अराउंड 2007 से खेल रहा हूँ, कराटे फील्ड पे हूँ 2007 से। आज तक मैंने नियर अबाउट 33 नेशनल्स पार्टिसिपेट किया है एंड 3 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है। आई हैव वन मोर देन 110 मेडल्स मैंने जीता है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। करंटली इंडिया का जो चैंपियन ऑफ चैंपियन है फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स आई एम होल्डिंग द पावर ऑफ चैंपियन ऑफ चैंपियन। और यहाँ पर हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं मास्टर के देखरेख में, जो कि मास्टर हमारा मास्टर एम डी सेल्वम, ही इज़ द ओनली एंड ओनली अप्रूव्ड पीजी डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम टीएमपीसीयू, जो कि डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं। अंडमान में एकलौता जो इंस्ट्रक्टर है डिप्लोमा कर रहे हैं कराटे पे, और हमारा जो बॉडी है स्टेट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन वो जो है कियो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड बॉडी है, जो आके इंडिया का एकलौता गवर्निंग बॉडी जो बोलते हैं उसे, हम लोग का स्टेट पे एकलौता गवर्निंग अथोराइज्ड बॉडी है जो हम लोग का ही है यहाँ पर जी। थैंक यू। राशन रशीद फाउंडेशन के जो अब्दुल जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर का क्या राय है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। सर नमस्कार। वैसे सेल्वम सर के द्वारा जो भी प्रोग्राम हमेशा जो आयोजित करते हैं बच्चों में जो एनकरेजमेंट के लिए, जो समय समय पर कॉम्पिटिशन ये प्रतियोगिताएं करते हैं, ये आज का समय में अगर देखा जाए तो हमारे अंडमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा जो युवा है वो कुछ मामलों में दिशाहीन होता जा रहा है। तो हर एक बच्चे को, हमारे जितने भी युवा हैं अंडमान निकोबार के, सभी को अपने आप को किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में के साथ में अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं उससे दूर रहना चाहिए। उसमें राशन रशीद फाउंडेशन हमेशा अपना सहयोग देगा और हमेशा ऐसे प्रोग्रामों की सराहना करेगा और हमेशा ऐसे प्रोग्राम में रहेगा। जो है लच्छा बहादुर जो एमएमए के कोच हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सर की क्या राय है। सर जी नमस्कार, मेरा नाम है पंचा बहादुर, मैं बटेन पे रहता हूँ, काफी 8-10 साल से मैं वहाँ बच्चों को कराटे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ जैसे अभी टूर्नामेंट हो रहा है तो एमडी सेलो मास्टर है तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं यहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। तो इसमें मेरे जो करीबन मैंने 7 बच्चों को, 7 बच्चे मेरे मेडल लिए हैं।
और मुझे भी मौका दिया अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे भी मैं एमपी सेल्वम मास्टर के साथ जुड़ कर काम करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे दीपू में ऐसे ही खेल कूद के मामले में और भी बढ़ावा दिया जाएगा एसोसिएशन के तरफ से और जितने भी हमारे पार्लियामेंट के तरफ से भी, तो जो बच्चे जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हो जो हमारे बच्चे जो कम एज ग्रुप के भी अगर वो कोई और चीज में अपना ध्यान नहीं भटकाते तो वो मोबाइल फोन में ज्यादा अपना ध्यान भटकाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक चीज है। अगर हमारा यूथ ही ऐसा होगा तो देश कौन चलाएगा? आगे देश चलाने के लिए जो हमारा यूथ है वही खड़ा होना चाहिए। तो अगर हमें यूथ को स्ट्रांग बनाना है तो हमें और भी ऐसे तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए ताकि हमारा जो यूथ है वो गलत दिशा में ना जाकर अपने आप को एक सही दिशा में ले जाए। अगर वो खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वैसे अपने आप को फिजिकली और मेंटली भी प्रिपेयर करेंगे और कई तरह के अन्य प्रकार के बुरे चीजों से दूर रहेंगे। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि ऐसे ही प्रोग्राम्स और भी कंडक्ट किए जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं दृष्टि, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।